देख रही हो उसी तरह का बना हुआ है, हाँ? इस शरीर में जिस तरह से देख रही हो फोटो इसी तरह से बना हुआ है। और ये देख रही हो एक पिंक नाड़ी है, ये नाड़ी देखी ना, यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे जाके ऐसे मुड़ा है, इधर से एक नाड़ी जाती है। डॉक्टर लोग ऐसे हाथ देखता है ना, तो नाड़ी चेक करके बताता है तुम्हारी, वही नाड़ी है ये तीन नाड़ी। समझी, तो एक इधर से ऐसे गया है और एक इधर से ऐसे गया है और एक बीच से गया है। तो देखो उधर मत सुनो, इधर सुनो, ये हमारा कीड़ा नाड़ी है, इसको कीड़ा नाड़ी बोलते हैं, इसको बाया नाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है? बाया नाड़ी का समझ रही है, हंसा नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, पूछिए तो बताएंगे, हम जो नहीं समझ में आ रहा है। इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, इसका नाम है ईड़ा नाड़ी। रीढ़ के हड्डी होता है ना, रीढ़ के हड्डी हम लोग का होता है पीछे से, ठीक है? इस साइड में एक होता है, एक इस साइड होता है, ठीक है? दो बाया और दाहिना और बीच में, ठीक है? जिसको बीच में जो होता है वो रीढ़ का हड्डी हमारा होगा, ठीक है? बता रही हूँ, वही चीज बता रही हूँ। पिंगला नाड़ी है हमारा, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और दाहिनी नाड़ी हमारा दाहिना हाथ है, इसका दाहिना नाड़ी भी बोलते हैं। और ये बाया नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है, तो इसको हम लोग बाया नाड़ी भी बोलते हैं। और बीच में जो रीढ़ का हड्डी है उसमें एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, और हमारा साफ चक्र यहाँ से लेके यहाँ नीचे जो हम धरती में बैठते हैं, जहाँ से हमारा टच होता है शरीर धरती से, वहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा साफ चक्र है। और ये है कुंडली शक्ति, ये रीढ़ का नीचे का तिकोना हड्डी है, तिकोना हड्डी बना हुआ है उसमें, ये कुंडली शक्ति इसको बोलते हैं, वो यहाँ से रखी है। कुंडली शक्ति क्या है, बच्चा जब पेट में रहता है कोई शक्ति उसको तैयार करता है, बच्चा जब पूरा तरह तैयार हो जाता है तब वो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो शक्ति जो है इसी तिकोनी हड्डी में सो जाता है। समझी, कुंडली शक्ति जो है इसी तिकोनी हड्डी में वो बैठा रहता है। शक्ति सबके अंदर है, तुम लोग के अंदर, सबके अंदर, लेकिन तुम लोग को पता नहीं है कि मेरे अंदर इतना बड़ा शक्ति छिपा हुआ है, पता है नहीं? ये हमारा अपना शक्ति है, ये जन्म के साथ ही हमारे साथ है, लेकिन तुम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग इसी शक्ति को जागृत करते हैं, वो कौन जागृत करता है, वो श्री माता जी जागृत करती है। और जब ये शक्ति जागृत हो जाता है तो हमको क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। अच्छा बात है, हंसी तो बोल रही है, दीदी हेलो कहाँ पर पहले भी देखते थे, समझ है जो बोलता है। तो क्या बोल के पुकारेंगे, श्री माता जी, उसको बोलो श्री माता जी, माता जी, सब भगवान एक है, नाम दिया। हाँ एकदम सही, सब भगवान एक है। जो तुम लोग फोटो में पूजा करती है ना, वही भगवान है, लेकिन ये दूसरा रूप, इनका रूप दूसरा है। फोटो में जो भगवान है उसका रूप दूसरा है। तो हम लोग को फोटो जल्दी दीजिए, जल्दी देंगे, लेकिन पहले करना है, पहले करना है तब फोटो लेना, पहले नहीं फोटो मिलता है ना। अगर तुम लोग करोगे तब हम फोटो मंगाएंगे, मांगने चाहिए, फोटो दीजिए, तब फोटो आएगा। एक महीना लगता है फोटो आने में, तब फोटो देंगे। पहले रहेगा फोटो, पहले तुम लोग करोगे, तुम लोग के बारे में बताएंगे कि यहाँ उतना आदमी करता है, फोटो चाहिए, तब वहाँ से फोटो आएगा, तब तुम लोग को फोटो देंगे, ठीक ना? लेकिन करना होगा। और सेंटर वहाँ संडे के दिन देखिए, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम धरती माँ से प्रार्थना करेंगे, ठीक है? आप अच्छे से करना है, हमें सब माँ धरती माँ ही देती है कि नहीं? उसके बाद प्रार्थना करेंगे, फिर दोनों हाथ गोद में रखेंगे, गोद में रखो, घूंघट हटा दीजिए आप लोग। हम बोलेंगे कि अपना दाया जो हाथ है, बाया हृदय जहाँ धड़कन करता है ना दिल, यहाँ रखना, दाहिना हाथ, मतलब दाहिना हाथ देखी दिया कुछ है, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, सभी काम करते हैं, वही हाथ को हमको चलाना है। और ये जो हाथ है ऐसे गोद में माँ के सामने रखना है, ठीक है? देखिए वो वाला हाथ, वो वाला हाथ सामने रखिए, ऐसे रखिए, जब हम बोलेंगे हृदय में हाथ रखना है तब रखिए, ठीक है? सुनो सुनो, कैसे रखना है, खोल के ऐसे, फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेप है ऐसे, जैसे सर में दर्द होता है ना, ऐसे माथा पकड़ते हैं, पकड़िए ऐसे ऐसे, और थोड़ा सब
सर में दर्द करता है वही हाथ जी हाथ से खाना खाते हैं उसी हाथ को अब इसी हाथ को पीछे की तरफ पीछे जो सर का पीछे भाग है सर आसमान की तरफ रहेगा और इस तरह से ऊपर की तरफ ठीक है। अब लास्ट का जो है ये जो हाथ हथेली है तलवा है इसको अच्छा जो तलवा है सर का तलवा खींच के रखना है इस तरह से ये वाला जो है ना ऐसे एकदम सट जाएगा खींच के रखना है ये लास्ट स्टेप है ठीक है। ये अभी आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करेंगे जब ये बोलेंगे तो आपको ऐसे ऐसे करके करना है जैसे जैसे बताया जाए वैसे करना है ठीक है। हाथ नीचे माँ से बिंदी की तरफ हम सब देखेंगे उनको कोई नहीं देखेगा सिर्फ सुनेगा काम आप माँ को ठीक है। पल्लू हटा लीजिए बिंदी को पहले देखिए बिंदी के धीरे धीरे आग बन जाए माँ की तरफ देखिए और धीरे धीरे अपने आग बंद कर लीजिए दोनों हाथ धरती पे रखेंगे आग बंद ही रहेगा आग बंद ही रहेगा आग नहीं खुलेंगे अपनी माता जी से मन ही मन हम लोग विनती करेंगे प्रार्थना करेंगे श्री माता जी कृपया हमारे मन में शरीर मन ही मन खराबी है धरती पे से भी समाप्त कर दीजिए माता जी आप ही धरती माँ है कृपया हमारे शरीर से जो भी खराबी है दोनों हाथों के माध्यम से आसान हो जाए इस पर बात नहीं तो ये मिट गई है ये जो आप लोग का 5 मिनट में अभी पता चला है तो सोचिए कि आप अगर रोज इसको पीजिएगा तो इसका क्या अनुभव होगा है ना कि आपका तो इतना नजदीक है आपका सेंटर इतना नजदीक है हर रविवार जा सकते हैं दीदी है यहाँ पे आपको इतना सुझाव श्री माता जी ने दिया है कि आप कुछ भी डाउट है कि अगर हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है पहली बार में लोगों को एक ही बार में समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर नीचे जो वो सभी को होता है हम लोग को भी हुआ था तो आपको भी हो सकता है दीदी है आप पूछ सकते हैं रीना है आप उनसे पूछ सकते हैं शाम को ऐसे किसी को बाहर संडे को ही आ जाइए तो पता चल जाएगा सभी आप लोग कुछ पूछना है क्वेश्चन है गुड आइए आपको कितनी ये करेंगे सब पूछते हम लोग बताने के लिए यहाँ पे आए बहुत अच्छा लग रहा है सभी उसकी बहन है थोड़ा सा हाँ मस्त से स्टाइल है देखिए बाबू करो 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 ऐसा करो ऐसा देखो देखो इधर देखो ऐसे करो देखो ऐसे यो अगर कर लिया ना तो हीरा निकलेगा हीरा समझ लो इसको पठाना इसको अपने साथ जय श्री माता जी। और अभी हम लोग घर आए हैं और कल फिर जाना है कल जाएंगे परसों भी जाएंगे
क्योंकि सबको अच्छा लगा और भी जानना चाह रहा है सब कोई। तो एक दिन में तो सब कुछ समझा नहीं पाए, लेकिन कल फिर से जाएंगे और कल भी थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे वहाँ का। तो चलिए अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर कल हम वीडियो थोड़ा सा बनाएंगे। तो चलिए सबको जय श्री माता जी।